वैक्सीन की दो डोज लगने के बाद भी लोग कोविड 19 के संपर्क में आ रहे हैं और उसे घर में अपने साथ रहने वाले लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन में घरों पर अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने इस बात की चेतावनी दी है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी वायरस को उतना ही फैला सकते हैं जितना वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। हो सकता है उनमें कोई लक्षण ना दिख रहे हों या बहुत कम लक्षण दिख रहे हों, लेकिन वो अपने घर में बिना वैक्सीन लिए लोगों को संक्रमित कर दे सकते हैं। ऐसा होने की संभावना 5 से करीब 2 यानी कि 38% है। अगर घर के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो ये संभावना घटकर 4 में से 1 हो जाती है यानी कि 25%। उनका कहना है कि लेसन इन्फेक्शियस डिजीज का अध्ययन दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण और सुरक्षा क्यों अहम है। वो चेतावनी देते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो बचाव के लिए अपने आसपास के वैक्सीन ले चुके लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते। वैक्सीन कोविड की गंभीरता और मौत से बचाव में बहुत मददगार है, लेकिन संक्रमण के फैलाव को रोकने में ज्यादा मदद नहीं करती है, खासकर ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के आ जाने की सूरत में जो ब्रिटेन में बहुत देखा जा रहा है। और समय के साथ वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा कम हो जाती है और इसे बढ़ाने के लिए बूस्टर शॉट की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन इलाकों में संक्रमण के ज्यादा मामले मिलते हैं वहां सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घर के हर सदस्य को वैक्सीन लग जाए और वक्त पर वो आगे के डोज भी लेते रहें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।